तो पुष्कर जी घूम के खुश हो गए, अभी अंकल जी बोल रहे थे ऐसे सोच ले कि दुबई घूम लिया, ऐसा क्यों? फिर साल राजस्थान का मेहा, राजस्थान का थे हो तो क्यों ना मारवाड़ी बोली जाए? माता जी के बयान तो औरतां पूजा करया करे पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। गंगानगर वाली बोलन लाग रहे हैं और किसी बोला बस बढ़िया, एकदम मस्त लाग रहे हैं। रूपाड़ो है ना, सही है ना? वो रानी दंगली का डांस हमारे गांव का ही है। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको राजस्थान शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप पुष्कर आएड़ा हाँ, तो ब्रह्मा जी के मंदिर में जाऊंगा, तो सावित्री माता के मंदिर में भी जाना पड़ेगा, तो आप सावित्री माता के मंदिर में भी जान आला हाँ, तो काफ़ी सारा दर्शक ही बैठे आएड़ा हाँ, और ऊपर जाके पंडित जी आप बातचीत करांगा, जानांगा अठे की कहानी। आप सावित्री मंदिर है अभी पर जावा तो देखा तो दो जाही, एक तो रोपवे पर आप बैठ के जा सका हाँ, और एक रास्ता है अभी पर सीढ़ियाँ बन रही हैं, सही तरीका सीढ़ियाँ ही भी जा भी सके और आ भी सके। अभी आप इपर बैठे हैं रोपे पर, और बात करा तो तीन ही, एक आगे है, एक पीछे और एक है, छह बंदा ही बैठ सके है। कहाँ से आए हो? हम कलकत्ते से आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय किया हमने बहुत। तो पुष्कर जी घूम के खुश हो गए, अभी अंकल जी बोल रहे थे ऐसे सोच ले कि दुबई घूम लिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहाँ पे उस सफारी में, डेजर्ट सफारी में ना, उसी टाइप का गाड़ी वाड़ी, कैमल रखा हुआ है, गाड़ी रखा हुआ है उसके लिए डेजर्ट के लिए, तो उसमें एंजॉयबल था, वो अच्छा था। ऐसा होना चाहिए हर सिटी में लोगों के लिए, पिकनिक स्पॉट टाइप का। तो इसमें बैठ के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। और अंकल जी आप बताओ, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और सरोवर है यहाँ पर घूमने की, दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सरोवर की जो आरती है शाम को 6 बजे की, वो तो बहुत ही खूबसूरत आरती है। ये रोपवे भी बहुत अच्छा लगा, इससे पहले हम 1 घंटे पहले सफारी कर कर आए थे, बहुत अच्छा था, कैमल सफारी, बहुत अच्छे व्यूज़ वगैरह थे, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। भैया आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम तो आते रहते हैं, मतलब हम पाली सोज से आए, पाली राजस्थान के। तो फिर राजस्थान का मेहा, राजस्थान का थे हो तो क्यों ना मारवाड़ी बोली जाए? मारवाड़ी तो आते रहे हो, अटे साल में एक आधी बार आते रहे हो। अच्छा, अभी तो घर वाले लेके आ रहे हो? हाँ, घर वाले ले रहा है। तो घर वाले खुश हो गए थे? खुश होगा, हाँ खुश हो। अच्छा अच्छा, घूमने आया था पुष्कर, सुबह मॉर्निंग में निकला था, अब वापस रिटर्न है। एक बार पुष्कर जी आओ तो पक्का सावित्री माता मंदिर है अभी पर जरूर आयो, बहुत ही ज्यादा मजा आओगा। काफी लोग ही मैं नीचे ही वापस अड़े नीचे जा रहे हैं और मैं ऊपर आ चुके हैं, तो अभी ऊपर जाऊंगा, माता को मंदिर है अभी का दर्शन करवाऊंगा। जैसे कि अपा बात बतावा तो भाई दर्शन करने खातर यात्री ही मैं काफी आ रहे हैं, और अठे को जो व्यू है बाहर कुछ और व्यू है वो आप दिखाने की कोशिश करांगा, दिखावांगा, और काफी सारा दर्शक ही वहाँ पर बातचीत कर सें, जान से कि मन अड़े आ कि शोक लाग रहे है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से तो थे, गंगानगर वाली बोली है ना भाई? बोलो, गंगानगर वाली बोलन लाग रहे हैं और किसी बोला? मेरे साथ रखो परिवार है, मेरी मम्मी जी है, मैं थोड़े देवगढ़ में जॉब करूँ, रास में डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अठवा, बाकी सब गंगानगर में आए हैं। तो आंटी अड़े आ की कशोक लाग रही, स्वादा नहीं मजा रहे हैं? मजा बहुत वधिया लगा भाई, मैंने इलाको मैं देखने वास्ते आए ना। देखो क्या बैठ के आए हैं? नहीं, पैदल चल के आया, मैं तो माता का दर्शन करने भी बहुत खुशी खुशी आया। पैदल भी थे, थाने काफी सारी सीटें बचट का, माता रानी इतनी शक्ति दे दी जो। हाँ, बहुत शक्ति दिया माता जी, थारे कमर में बहुत दर्द रहा, माता जयकार लगा के माता के। हाँ तो गुटिया भाई भी है, मेरी मम्मी पर दवाई चलने लाई रही है, और बाकी माता की देखो इच्छा ही आने की तो आ गया, बस हाथ पैर सब ठीक हो गया। काती नई छोरियां तो नुआगे लाने वास्ते, काती नुआ दी के था नहीं? हां, नुआ दी, काती नुआ दी, तीन बार आए हैं हम। अच्छा, तीन बार, तीसरी बार आए हैं, दूसरी बार आई हूं मैं, दूसरी बार। तो कब्र नाखी जाही थे यहाँ पर? तो मतलब हर कार्तिक की ये पूर्णिमा का जब स्नान आता है ना, उसी टाइम आते हैं, मतलब फिर तीन बार नहा लिया थे? तीन बार नहाए। तो चलो जय माता को, एक जयकारो लगा दो जोर। बोलो माता रानी की जय। फर्स्ट बात तो यह बता दियो कि मंदिर इजापा घूम सका हाँ, सारा दर्शन है वह कर सका हाँ, पर मैं थाने दर्शन ही वह कोनी करवा सकूंगी, फिर भी मैं बता दूँ कि मंदिर है वो काफ़ी प्यारो है, अंदर वो जो सावित्री माता की जो मूर्ति विराजमान है बापा दिखा कौन सका, क्योंकि ऐसा नियम कानून है कि भाई वीडियोग्राफी या कोई भी न्यूज़ चैनल कोई भी जा कौन सका और वीडियोग्राफी बा कोनी कर सका है, इसलिए आप पंडित जी ने बारह ही लेके आए हैं, बारह ही हम बातचीत करांगा, जानांगा कि सावित्री माता जी की के कहानी है। जय माता, जय माता जी की।
जो सावित्री माता को मंदिर है वो कहाँ बने हो, के कहानी है, दर्शक ने बस जरूर बताओ। वो माता सावित्री जी को मंदिर है, पद्म पुराण में एक ही कथा हुआ है, जब ब्रह्मा जी पुष्कर सरोवर की रचना करी और अठे खुद को स्थान बनाया मृत्यु लोक में, तब ब्रह्मा जी अठे यज्ञ करो, यज्ञ में पत्नी ने भी आमंत्रित करी, लेकिन माता स्वर्ग लोक में ही और समय पर पहुंच नहीं पाई, और यज्ञ जो है मुहूर्त पर शुरू करवो जरूरी हो, इस वास्ते ब्रह्मा जी गायत्री माता से दूसरी शादी कर और यज्ञ संपन्न कर लियो। माता जी जब यज्ञ स्थली पर आया तो देखा पति देव दूसरी शादी कर ली, तो माता जी ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गया और मैंने श्राप दियो कि पुष्कर के अलावा आपकी और कोई पूजा नहीं हो, और ये पर्वत पर रत्नगिरी पर्वत ही ने कहे ये पहाड़ पर आज विराजमान हो गया। यो पहाड़ है कितनी ऊंचाई पर है? ये पहाड़ी की ऊंचाई जमीन तल्लू 750 फुट है। तो एक चीज और बताओ कि जो यो मंदिर है यो कितना पुराना है? पद्म पुराण के अनुसार बताया तो आप सतयुग से मान लियो, भगवान राम आपका पिताजी का पिंडदान करवा पुष्कर सरोवर में आया। और लोग ही बस ज्यादातर यात्री कब आवे? ज्यादातर तो सावन भादवा में आवे, और वो बार जो मेलो भरी जी 5 दिन को एकादशी से पूर्णिमा तक, इनमें भी लाखों यात्री आवे पुष्कर। अच्छा। और आपा बात कर ले तो जो माता के प्रसाद है वो क्या कुछ है? माता जी के बयान तो औरतें पूजा करया करे पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए, और बाकी तो सभी लोग आपको क्या तो कामना पुष्कर का जब मान लो कि अठे मेलो लगे है तभी ज्यादातर लोग ही बैठे आवे ही। हाँ, मेला में ही ज्यादा आवे, बाकी आम दिन में दूर हो बाकी वजह से चढ़ाई हो बाकी वजह से कम लोग ही आ पावे। आभा को अभाव साधन जो बढ़ी है रोपे को एक ही वजह से थोड़ा यात्री बढ़िया तो है, आवागमन सुगम हो गया थोड़ा। आप कड़िया का हो? बीजनगर बाड़ी। अच्छा, डेका जैसे वो रानी रंगीली का डांस हमारे गांव का ही है। रानी रंगीली का कौन सा डांस है? रानी रंगीली मारवाड़ी सॉन्ग, चेता के एसिड वाला। बस बढ़िया, एकदम मस्त लाग रहे हैं। मस्त लाग रहे थे तो की पास की योजना पर आई होगी पहली भी? नहीं नहीं, फर्स्ट बार ही आया हूं। पास की होगी फर्स्ट बार आई? हाँ। क्यों? अशानी मतलब दूर का डूंगर सुहावना लगी, दूसरी जगह घूमे पर करना ले जगह कुंजा में भाई बात होगी। नहीं नहीं, दूर दूर भी नहीं गेड़ा मैं तो। अच्छा, तो दूर निकला है, घूमे सबके साथ, फैमिली है, एंजॉय कर रहे हैं। और मारवाड़ी भाषा बोलनी है डेकी किशोक लगे एकदम एकदम मस्त। हाँ, रूपाड़ो है ना, सही है ना, बढ़िया सुंदर मस्त सुंदर। अच्छा, अच्छा लग रहा है। कड़े से पहुंचे विजयनगर बाड़ी? अच्छा, थे अठे ये दूर आए ही तो ये साथ में तो थे बोल रहे क्यों को नहीं सर है मन तो को नहीं मैं थर जाएंगी हूँ पर स्वरूप लाग रहे थे थरी ड्रेस में। अच्छा, काफ़ी दर्शक ही बाहू बातचीत करी ही, अलग अलग एक्सपीरियंस बतायो है आपको। थोड़ी सर्दी है बा बढ़ गई है, इसलिए जैकेट वैकेट लगा के आए हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊपर है। अरे जो गर्मियों के मौसम में सावित्री माता के मंदिर पर आओ तो स्वाद आ जाए, मज़ा आ जाए। क्यों मज़ा आ जाए? क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही जा, तो गर्मी में तो थन बेरो कितना पसीना, और पसीना के अंदर हवा चले तो बहुत मज़ा आवे। अपा माता को मंदिर है वो अंदर जाके तो कौन ही दिखास कहाँ, पर बारह थोड़ा बहुत आ रहे है तो थे माता को मंदिर है वो देख सको हो। और एक कमेंट बॉक्स में जय माता दी सब लिख दियो और शेयर भी कर दियो, सह माता का दर्शन कर लेंगा। और आपने चैनल ना प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर और घंटी है बिन भी दबा लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।